स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल रखा है और ये गरम हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे काला वाला सरसों। तो इसे थोड़ा सा चटक जाने देंगे हम, थोड़ा सा भुन जाएगा। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। सरसों के दाने यहाँ पे अच्छे थोड़े से भुन गए हैं, तो इसमें हम हरा मिर्च और यहाँ पे लिया मैंने करी पत्ता, तो इसे भी हम इसमें डालेंगे। यहाँ पे लिया मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, तो इसे भी हम डाल देंगे। इसे और हल्का सा ये पिंक हो जाए, इसके बाद इसमें हम थोड़े से नमक और मसाला डालेंगे। प्याज यहाँ पे भून चुका है और इसमें थोड़ा सा मसाला डालेंगे हम। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे क्योंकि हरा मिर्च मैंने पहले से डाला है इसमें, और नमक स्वाद के अनुसार। तो नमक आप आलू में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया है ताकि ये प्याज में मिक्स हो जाए, और उसके बाद हम आलू में थोड़ा सा डाल देंगे। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज के आलू उबले हुए लिए हैं और इसे मैंने मैश कर लिया है, तो इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं। इडली के लिए हमारा आलू स्टफिंग रेडी हो गया है और इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इडली स्टीम करने के लिए मैंने कुकर में यहाँ पे पानी लिया है 1 गिलास, तो इसे हम उबलने देते हैं और इडली की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो स्टफिंग का आलू है थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो इसे हम थोड़ा सा हाथ पर लेकर इस तरह से गोल लोई बनाएंगे, और आलू की जिस तरह से हम टिक्की बनाते हैं उस तरह से हमें इसे बना लेना है। तो इसी तरह से और भी टिक्की हम रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे टिक्की बनकर हमारा रेडी हो गया है, जो हमने आलू का स्टफिंग बनाया था। और यहाँ पे मैंने लिया इडली स्टैंड, तो इसमें हम सबसे पहले बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले से बैटर को रेडी कर लिया है, इतना थिक होना चाहिए क्योंकि इडली का है। आप चाहे तो थोड़ा सा इसे पतला भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना थिक ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमें इसमें स्टफिंग भी भरना है आलू का। तो यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया ताकि जो हमारा इडली है वो नीचे से चिपके ना जब ये हम स्टीम करें और आराम से निकल जाए। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। और यहाँ पे बीच में हम टिक्की डालेंगे। इस तरह से और थोड़ा सा ऊपर से हमें बैटर डालना है फिर से।
इस तरह से हमें कवर कर लेना है। और थोड़ा सा इसे हम इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 इडली ट्रे में स्टफिंग को भर दिया है और बटर के साथ। तो यहाँ पे इसे हम इस तरह से रखेंगे। इडली के हमें अपोजिट रखना है। अगर हमारा नीचे वाला इडली का स्टैंड इस साइड है तो हमें इस तरह से घुमाकर रखना है। और पानी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम स्टीम कर देंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने स्टैंड को कुकर में रख दिया है स्टीम होने के लिए और इसे हमें 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो इसे मैं एक प्लेट से या फिर इसका जो कुकर का जो ढक्कन होता है उसे हम सीटी निकाल देंगे और इसे बंद कर देंगे। तो यहाँ पे कुकर का जो ये सीटी है मैंने इसे निकाल दिया है और इसे हमें स्टीम करना है, भाप से पकाना है। तो 10 मिनट के लिए इसे हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेंगे हमारा इडली पका है या नहीं। तो 10 मिनट हो चुका है, 10 मिनट से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो इडली है काफ़ी अच्छा फूल चुका है। तो इसे हम गैस को पहले ऑफ कर लेते हैं और निकाल लेते हैं इसे, ठंडा होने देंगे हम सबसे पहले। इडली यहाँ पे ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ये ठंडा हो गया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे प्रेस किया था चाकू से तो ये निकल गया है और दोनों साइड से अच्छे से पक भी चुका है, स्पंजी भी बन गया एकदम ये। आप इसे देख सकते हैं बिल्कुल स्पंजी बने हैं। तो इसे हम काट लेंगे अब। तो यहाँ पे इस तरह से हमें काट लेना है और देख सकते हैं कितना अच्छा बना है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और खाने में तो ये बहुत टेस्टी होगा मुझे पता है क्योंकि मैंने पहले भी इसे बहुत बार बनाया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे आप तुरंत अभी बनाएं, खाने में बहुत टेस्टी है। आप इसे बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं, डिनर में भी सब। तो इडली स्टफिंग रेसिपी यहाँ पे बनकर हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरा आज का ये रेसिपी पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।